दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट किया था भाई हमें वीडियो एडिटिंग सीखना है, तो मैंने विंडोज मूवी मेकर को जो है ओपन कर लिया आपके सामने। और मेरा यह दावा है कि अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट की वीडियो है, अगर ये वीडियो आप पूरी तरह से देखेंगे तो आप 100% गारंटी जो है वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे विंडोज मूवी मेकर के अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पे एड एंड फोटो पे क्लिक करके आपको ये वीडियो फाइल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका वीडियो फाइल होगा उसे आपको सिलेक्ट करना है। चलिए इस फाइल को पहले हम चला करके यहाँ पे देख लेते हैं, बाहर में से प्ले करके देख लेते हैं ये वीडियो हमारा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं ये स्क्रीन से रिकॉर्ड किया है मैंने। ठीक है, गूगल क्रोम को मैंने जो इसे ओपन किया था, इसका रिकॉर्डिंग मैंने किया था और ये रिकॉर्डिंग को जो है हम जो है विंडोज मूवी मेकर में अंदर में जो है एडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इस फाइल को हम अपने इस विंडोज मूवी मेकर के अंदर में सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे जो है हरे कलर की जो यहाँ पे पट्टी नीचे में चल रही है, क्योंकि ये फाइल जो हमने सिलेक्ट किया था अभी, ये फाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में हरे कलर की पट्टी में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे और ये प्रोसेस जो चलेगा, जो कम्प्लीट जितना लंबा वीडियो होगा आपका उसी हिसाब से ये इसमें टाइम लेगा। तो ये मान के चलिए ये 2 मिनट की वीडियो है अगर, तो 2 मिनट का हिसाब से ही जो ये फाइल जो है यहाँ पे इतना प्रोसेस चलेगा। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है विंडोज मूवी मेकर के अंदर में आ चुका है। लेकिन एक फाइल है, ये सिंगल फाइल है और ये पूरे विंडोज मूवी मेकर को जो है कैप्चर करके रखा है। तो यहाँ से माइनस प्लस करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, फाइल छोटे आकार में दिखेगा और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो फाइल बड़ा आकार में दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इसे छोटा कर दिया है और ये सिंगल फाइल है और इसमें आप दूसरा वीडियो भी अगर ला सकते हैं आप इसी तरह से यहाँ पे एड एंड फोटो वीडियो पे क्लिक करके आप दूसरा फाइल को भी ला सकते हैं। तो फिलहाल मान के चलिए इस फाइल को, अगर मान के चलिए ये फाइल इतनी है लंबी और इसमें से कोई सीन अगर खराब है, अगर ये आगे का सीन खराब है या पीछे का सीन खराब है या बीच का सीन खराब है और इसको अगर आपको छांटना है, कट करना है आपको, तो आप इस लंबी सी लाइन पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे आप। उसके बाद जो है आपको मान के चलिए अगर आगे का सीन आपको छांटना है तो आप जो है यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको पीछे का सीन छांटना है तो आपको जो है यहाँ पे एंड पॉइंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें आगे का छांटना है तो हमने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया और आगे का सीन यहाँ पे छट चुका है, आगे का वीडियो यहाँ पे कट हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं, हम प्ले करके दिखा रहे हैं आपको, अब जितना हमने छांट दिया वो तो नहीं यहाँ पे प्ले नहीं होगा, बाकी जो बचा हुआ फाइल यहाँ पे उतनी ही प्ले होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फाइल को छांट दिया था। इस तरह से आप जो कोई भी वीडियो को कट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि टाइटल है, यहाँ पे क्रेडिट है, उसके बाद जो है यहाँ पे टैक्स है। ठीक है, तो आपको मान के चलिए वीडियो के ऊपर में कुछ लिखना है, कुछ टैक्स वगैरह आपको देना है, तो आपको जो है क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है टैक्स लिखना है। ठीक है, तो टैक्स लिखने के लिए पहले अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी कलर आपको देना है, जो भी आपको कलर देना है, चलिए हम यहाँ पे रेड कलर दे देते हैं, रेड कलर हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे लिख दिया ये एक्स मन्ना। तो इसी तरह से आप कोई भी वीडियो पर जो है आपको कुछ लिखना है, कुछ टैक्स डालना है, तो आप इसी तरह से जो है इसमें जो है लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चाहें तो इस वीडियो के अंदर में, और मान के चलिए कि आपको अगर टाइटल डालना है, ठीक है, तो चलिए आप टाइटल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो टाइटल पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो टाइटल पर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि एक अलग से यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा विंडोज मूवी मेकर के अंदर में। तो टाइटल में जो है क्या होगी, ये आपके वीडियो के ऊपर नहीं चलेगा, ये अलग से चलेगा, यानी आपके वीडियो से पहले ये चलेगा टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड का हमने यहाँ पे कलर ले लिया, चलिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आप कोई भी जो है कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद चलिए दूसरा कलर आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप यहाँ से कोई भी कलर को जो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कलर को यहाँ पे ले लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्ले करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे सकते हैं हमने प्ले किया, यहाँ पे माई मूवी लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी लिखना है, आप जो भी चाहे आप वो लिख सकते हैं आप। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्स मन्ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक्स मनान लिख दिया। उसके बाद मान के चलिए इस टैक्स में अगर कोई परिवर्तन करना है आपको, चलिए हम यहाँ पे एक बार प्ले करके आपको और दिखाते हैं। उसके बाद आपको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टैक्स में कुछ और अलग से परिवर्तन आपको करना है तो आप टैक्स पर डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स को यहाँ पे जो है अलग अलग डिजाइन देने के लिए यहाँ पे फाइल मौजूद है। यहाँ पे आप जो कोई भी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके टैक्स के अंदर में वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगा और आपके टैक्स को जो उसी तरह से वो उसी के आकार में जो है वो उसे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो जो भी आप चूज करेंगे यहाँ पे उसी तरह से आपका टैक्स यहाँ पे दिखेगा।
तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट के बारे में कि इफेक्ट क्या है, एमिनेशन क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि एमिनेशन के अंदर में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, यानी ये ट्रांजेक्शन ये होता है कि मान के चलिए अगर आपके पास दो वीडियो है, दो फाइल मौजूद है यहाँ विंडोज मूवी मेकर के अंदर में, और दोनों वीडियो यानी एक वीडियो खत्म होने के बाद जब दूसरी वीडियो शुरू होगी तो दूसरी वीडियो के अंदर में जो परिवर्तन होगा वो किस तरह से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। जैसे और मान के चलिए हमारे पास AVS वीडियो एडिटर है या फिल्मोरा है, ठीक है, तो उन सब में जो है ट्रांजेक्शन लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे जो है एनिमेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन का काम क्या है कि वीडियो को परिवर्तन करना है, एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरी वीडियो में किस तरह का परिवर्तन होगा, किस तरह से वो दिखेगा, तो वो ये होता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम आपको आते हैं कि म्यूजिक की बात करते हैं। म्यूजिक आपको डालना है, बांध के चलिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है, ठीक है। आपके पास अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है अलग से आपके कंप्यूटर में, आप वहाँ पे जो अपने फोल्डर में जाकर के उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इस बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो के नीचे में यहाँ पे हरी पट्टी हरी कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है बैकग्राउंड म्यूजिक है, ठीक है। यानी हमने अलग से जो म्यूजिक दिया वीडियो के अंदर में, तो जो भी अगर आवाज होगी वो वीडियो की आवाज अलग होगी, वो वीडियो के साथ में वो सुनाई देगी, लेकिन आप अगर अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक डालेंगे तो आपको यहाँ हरी पट्टी में इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। और इस म्यूजिक को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको वीडियो के अंदर में थोड़े से वीडियो के अंदर में आपको म्यूजिक सुनाना है, बाकी वीडियो में नहीं सुनाना है, उस तरह से आप इसे जो है आगे पीछे कर सकते हैं। और मान के चलिए कि आपके वीडियो के अंदर में जो वीडियो आपने रिकॉर्ड की है उस वीडियो के अंदर में कोई अगर आवाज है अलग से, तो जो भी आवाज है उस वीडियो के अंदर में, उस वीडियो की आवाज को अगर आप बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस वीडियो की आवाज बंद हो, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनाई दे उस वीडियो के अंदर में, ठीक है, तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुनाई देगा। उस वीडियो पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है वीडियो का जो वॉल्यूम है आप कम बेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इसमें अगर आप चाहें तो इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ये होता है कि वीडियो आपका जो है, आप मान के चलिए ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो हो आपको बनाना है या उसमें कोई कलर देना है वीडियो में उस तरह से, तो उसमें से आप ये इफेक्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट देने के बाद जो है आप चलिए मैं बताते हैं, आप टेक्स्ट पे क्लिक करके अगर डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट की टाइमिंग आपको अगर छोटी बड़ी करनी है, यानी आप चाहते हैं कि ये मतलब 10 सेकंड तक ना दिखे और बहुत ही मतलब कम से कम 5 सेकंड के अंदर में ही ये टेक्स्ट हमारा दिखे स्क्रीन पर, तो आप यहाँ से जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो इसका टाइमिंग जो है कम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम यहाँ पे इसका टाइमिंग कम करेंगे उसी हिसाब से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे छोटा होता चला जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं टेक्स्ट छोटा हो चुका है, ठीक है, तो उसी हिसाब से उतने टाइम के अंदर में वो टेक्स्ट दिखेगा। दोस्तों मान के चलिए कि अगर आपके वीडियो है और आप उस वीडियो में अपनी आवाज़ डालना चाहते हैं और माइक के जरिए से, तो आपका माइक आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपका माइक आपके कंप्यूटर में लगा हुआ होगा, उसके बाद आप होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, और इस माइक के ऑप्शन पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आवाज़ इसमें डाल सकते हैं वीडियो के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्लिक किया, लेकिन हमारा यहाँ पे माइक लगा हुआ नहीं है कंप्यूटर में, इसलिए यहाँ पे ये लिख रहा है। तो चलिए हम इसमें अपना माइक यहाँ पे लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको जो है अलग से वॉइस देना है, कैसे आपको अलग से आवाज़ इसमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए हम यहाँ पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं और हमने माइक लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है रेड कलर का एक बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड का, और इस रिकॉर्ड के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी वीडियो जो यहाँ पे टाइम के साथ साथ प्ले होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका वीडियो चलेगा उसी हिसाब से आपको बोलना है कि आप वीडियो के अंदर में क्या बता रहे हैं। मान के चलिए आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो YouTube में जो आप वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को आपने रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसमें आवाज़ जो है आप अलग से आवाज़ देंगे तो आपका आवाज़ जो है क्लियर होगा, तो आप अलग से आवाज़ देंगे उसमें, तो आपको वीडियो के साथ साथ आपको बोलना है, जो जो आप काम बताएंगे उसी हिसाब से आपको साथ साथ बोलना है, और जितनी देर तक आपको बोलना है उतनी देर तक आप बोलें। उसके बाद आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको सेव करने के लिए कहेगा, और जैसे आप सेव करेंगे तो वो आपका वॉइस जो है आपका यहाँ हरी पट्टी आप देख रहे हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक का लाइन है, उस पट्टी के नीचे में यहाँ पे आप जो लाइनिंग देख रहे हैं ये हमारा जो वॉइस है, ठीक है, जो आप यहाँ पे बोलेंगे वही आपका यहाँ पे यहाँ शो करेगा, ठीक है, और जिस जगह से बोलेंगे उसी जगह से यहाँ पे शो करेगा, इस हिसाब से आप जो है वॉइस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट में आपको जो है इसे क्रिएट करना है, वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो चलिए हम यहाँ पे YouTube पे अपलोड करेंगे। तो YouTube के लिए हमें यहाँ YouTube के फॉर्मेट को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल देना है वीडियो का, क्या लिखना है आपको, वीडियो का नाम क्या रखना है, उसी हिसाब से आप लिख करके आप यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वीडियो जो है सेव हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।